कमर्शियल फिल्म्स जिस तरह की भी आती हैं वो देखते हैं और देखते रहेंगे, वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। और जो हमारे ख़ास तौर से जो हमारी जवान पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, उनको हमको बताना है, ना पढ़ाना नहीं है जितना कि दिखाना है, ताकि उनकी उनका टेस्ट, उनका आर्टिस्टिक सेंस डेवलप हो और वो अपने कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में बेटर समझ सकें और अच्छे आर्ट से उनकी वाकफियत। मैं इस प्रयास को सराहता हूँ, मैं बहुत खुश। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अब कुछ और भी आ सकता है आगे चल के, बड़ा अच्छा है। सिर्फ ये कि ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे की कॉस्ट पे हो। जैसे आपने कहा पैरेलल, तो बड़ी अच्छी बात है और जितना भी एक्सपोजर मिले उतना अच्छा। सिर्फ ये कंटेंट मीनिंगफुल होना चाहिए, आर्टिस्टिक होना चाहिए और पर्पसिव होना चाहिए। मेरे लिए हमेशा कंटेंट सर्वोपरि है। अगर कंटेंट नहीं है तो फॉर्म का कोई मतलब नहीं। ऐसा हो सकता है कि ऐसी फिल्में बनाई जाए जो हम सिर्फ फॉर्म के लिए देखें, लेकिन जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है उसमें भी कुछ तो सार होता है, कुछ तो पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट। तो मैं हमेशा फील, और चूँकि फिल्म एक नैरेटिव आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं है, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि उसमें कंटेंट होना, एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फॉर्म के लिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए, या कैमरा यहाँ से वहाँ घुमाना, साउंड यहाँ से वहाँ घुमाना, ठीक है, वो एक तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है।